मैं 22 साल का हूँ और मैंने इंडिया के चारों एक्सट्रीम को दी, ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक, यानी जो एक्चुअल चार धाम है, वो नहीं जो उत्तराखंड टूरिज्म वाले मार्केटिंग और प्रमोट करते हैं कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 10 दिन की वेकेशन पे जाओ और हो गए आपके चार धाम पूरे। ये है हमारे भारत के असली चार धाम, उत्तराखंड के बद्रीनाथ जी, गुजरात में बसी द्वारका नगरी, पुरी के जगन्नाथ जी और तमिलनाडु के रामेश्वरम में बसे महादेव जी, और इन सब जगह मैं जा चुका हूँ। अब मेरा अगला प्लान क्या है, चलो इस वीडियो में जानते हैं। वैसे आपको पता, ये चारों धाम मेरे पिछले साल दिसंबर में कम्प्लीट हो चुके होते, लेकिन तब नहीं हो पाए, तो बताता हूँ क्यों। 7 साल पहले तक कहा जाता था कि पहले तुम पढ़ो, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे करो, और फिर जो बच्चे हुए हैं उनको पढ़ाओ, उनकी शादी कराओ, उनके बच्चे होने दो, और फिर उन बच्चों के साथ खेलो। और अब तुमने अपनी लाइफ परफेक्टली पूरी तरीके से जी ली है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, और अब तुम इस स्टेज पे आ चुके हो कि अब तुम भारत घूमो, भ्रमण करो, चार धाम अपने पूरे करो, इंडिया के चारों कोने एक्सप्लोर करो, मतलब ट्रैवल करो। अब देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर पर्सनली मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता। मेरे इस चार धाम की शुरुआत गुजरात में बसी जो द्वारका नगरी है, जो कृष्ण जी ने बनाई है, उससे हुई थी। और पता, उसके आगे ना भीड़ द्वारका भी है, तो मैं उधर पर भी गया। अब यार मेरे पास ज्यादा कोई फोटो वीडियो नहीं है, क्योंकि उस समय मैं ट्रैवल वीडियोस वगैरह नहीं बनाता था, और अगर बनाई भी होगी तो मैंने डिलीट कर दी होगी स्टोरेज की वजह से। फिर इसके बाद मैंने पिछले साल अगस्त में केदारनाथ जी की यात्रा करी थी, लेकिन उस समय मैं बद्रीनाथ नहीं जा पाया था, और बद्रीनाथ काउंट होता है चार धाम में, केदारनाथ जी नहीं होते, तो मैं बद्रीनाथ उस समय नहीं गया था। और फिर उसके बाद पिछले साल ही नवंबर में मैंने वो अल्टीमेट चैलेंज किया था, अयोध्या से लेके कन्याकुमारी तक, जिसमें मुझे 30 दिन लगे थे, तो उसी में मैंने उड़ीसा की पूरी जगन्नाथ जी और रामेश्वरम कवर कर लिया था, उनके दर्शन कर लिए थे। और अभी रिसेंटली मैंने हेमकुंड साहिब जी की यात्रा की, जिसकी वीडियो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आके देख सकते हो, जस्ट अभी डाली कुछ टाइम पहले। और फिर मैं उधर वैली ऑफ फ्लावर्स गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी जगह, और उसके बाद मैं बद्रीनाथ जी के मैंने दर्शन किए, जिसके बाद मेरे चारों धाम पूरे कंप्लीट हो गए। सच में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, जेन्युइनली मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ। वैसे मैंने ये सब बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सिर्फ यही चार जगह घूमी है इंडिया में। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के अलावा मैं सारे स्टेट घूम चुका हूँ, उधर पर जा चुका हूँ, उधर की वीडियोस बना चुका हूँ। कुछ की वीडियोस होगी, कुछ की वीडियोस नहीं होगी, क्योंकि मैं उससे पहले भी ट्रैवल करता था जब मैं वीडियोस नहीं बनाता। और हाँ, मैं नेपाल भी जा चुका हूँ, तो एक मेरी इंटरनेशनल हुई है, बाकी मैंने इंडिया में घूमा है। तो ये जो मैंने अभी तक बताया वो है मेरा पास्ट। अभी प्रेजेंट में मेरा क्या चल रहा है, तो फिलहाल मैंने अभी एक सीरीज शुरू की है फॉर वर्ल्ड टूर, सॉरी टूर नहीं कहूंगा क्योंकि इतने पैसे नहीं है मेरे पास और मैं टूरिस्ट नहीं हूँ। तो मैंने वर्ल्ड ट्रैवल करने की सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं खोज कर रहा हूँ कि कैसे आखिर करते हैं, पूरी दुनिया कैसे घूमते हैं। और ये जो सीरीज है वो 50 दिनों की है, जिसमें मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, कनेक्शंस बना रहा हूँ अपने, और ये पूरी दुनिया घूमनी कैसे है तो उसकी मैं पूरी खोज कर रहा हूँ, और वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ हर रोज 1 मिनट की वीडियो के साथ। और जब 50 दिन बाद मेरे पास नॉलेज आ जाएगी, थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी, थोड़ी हिम्मत भी बढ़ जाएगी और पैसे भी आ जाएंगे, तो फिर मैं निकलूंगा इंडिया के बाहर 4-6 महीने के लिए, जिसमें मैं बहुत सारी चीजें ट्रैवल करने वाला हूँ, बहुत सारी कंट्रीज जाएंगे, और अपना असली सफर हम तब शुरू करेंगे। तो अभी से मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, और ये पूरी दुनिया घूमना मेरा फ्यूचर है। और प्रेजेंट में मेरी एक और चीज चल रही है, मैं दिल्ली में हूँ और मेरा ये एक ट्रैवल शो है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज 12 जुलाई है, तो कल 13 जुलाई को शाम को 6:30 बजे मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, अपनी ट्रैवल स्टोरी सुनाने वाला हूँ और आपके सवालों का जवाब देने वाला हूँ। लोकेशन जो है वो है पैसिफिक D21 मॉल द्वारका वाला, और ये 2 घंटे का शो होने वाला है, काफी ज्यादा मजे आएंगे। आप चाहो तो अकेले भी आ सकते हो और चाहो तो पूरे ग्रुप के साथ भी आ सकते हो। इसकी लिंक जो है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके ना आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और ये जो सीरीज चली है, तो हो सकता है कि मैं इसी बीच में नेपाल या नॉर्थ ईस्ट या फिर बांग्लादेश भी कवर कर लूँ, उधर ट्रैवल करने चला जाऊँ, पर अभी कुछ प्लान नहीं हुआ है, बट जो भी होगा तो वो देखते हैं। आई वॉन्ट की अभी जो मेरी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं सब कुछ फिगर आउट कर रहा हूँ, तो आप उसमें मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, जरूरत है मुझे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको मेरा नेक्स्ट प्लान समझ में आया होगा बहुत। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप फॉलो भी कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम। और ये चैनल की ना नोटिफिकेशन बेल है ना, वो भी आप क्लिक कर लेना, जिससे कि आप बहुत अच्छी अच्छी ट्रैवल वीडियोज देख सको और आप भी ट्रैवल कर सको, उससे मैं ही ना करूँ।